दिल्ली के हर निवासी को सार्वजनिक यातायात की अच्छी सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एक बड़ा बदलाव आया है। मार्च 2015 तक दिल्ली मेट्रो का कुल रेल नेटवर्क 193 किलोमीटर था और इसमें 144 मेट्रो स्टेशन थे। पिछले 9 वर्ष में दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क लगभग दुगुना होके 393 किलोमीटर हो गया है और स्टेशन की संख्या बढ़कर 2088 हो गई। मेट्रो में 2014 में रोजाना लगभग 24 लाख लोग यात्रा करते थे और आज 2024 में लगभग रोज 60 लाख से अधिक लोग मेट्रो में यात्रा करते हैं। मेट्रो आज दिल्ली के हर कोने तक पहुंच गई है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे समयपुर बादली हो, टिकरी कला हो, बदरपुर बॉर्डर हो या शिव विहार। दिल्ली में न केवल मेट्रो का दायरा बढ़ा है, यहाँ बसों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि 1650 इलेक्ट्रिक बसों के साथ दिल्ली में आज इलेक्ट्रिक बसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बेड़ा है। आज दिल्ली में 7582 आधुनिक बसों की शानदार फ्लीट है, जो दिल्ली के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। साथ ही केजरीवाल सरकार द्वारा 2080 9 मीटर की ई बसें खरीदी जा रही हैं, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मोहल्ला बस के तौर पर इस्तेमाल होंगी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 2025 तक दिल्ली में 10,000 से भी ज्यादा बसें होंगी, जिसमें से 80% इलेक्ट्रिक होंगी।